नमस्कार, मैं विद्या एसएसवी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, इंडियन ऑटो सेक्टर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन सिग्नल आ रहे हैं। बजाज ऑटो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया में ऑटो सेगमेंट लैक ऑफ डिमांड से जूझ रहा है। वहीं पर हीरो मोटोकॉर्प ने रिकॉर्ड तोड़ 35% का सेल्स ग्रोथ दर्ज किया है अक्टूबर के महीने में। यह पिछले साल के मुकाबले का फिगर है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऑटो सेक्टर्स में डिमांड कम है या बजाज ऑटो का बिजनेस मॉडल इनोवेशन की कमी के कारण मार खा रहा है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प के सक्सेस के पीछे कुछ और राज है? आज के इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके पहले आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक से खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर वन फुल टाइम ब्रोकर है, जहां आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए और आज ही एंजल ब्रोकिंग से अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। दोस्तों, बजाज ऑटो के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी ने 11% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रजिस्टर किया है। उनके डोमेस्टिक सेल सिर्फ 1% इंक्रीज हुए हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा फिलहाल। हालांकि उनके एक्सपोर्ट 25% इंक्रीज़ हुआ है, जो एक अच्छी बात है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके लिए कह दूं कि इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अपना टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स का कम होना बहुत ज़्यादा चिंता की बात है बजाज ऑटो के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स का परफॉर्मेंस इनमें से सबसे ख़राब था पिछले साल के मुकाबले में। यह 35% कम हुआ है, यह भी बहुत चिंता की बात है। बजाज के कमर्शियल व्हीकल्स में कमी आना कोविड-19 की वजह से ही हुआ है। जब कमर्शियल मूवमेंट और एक्टिविटी ही डिक्लाइन कर रही हो तो व्हीकल का डिमांड कम होना ही लाजमी है। शायद यही वजह है कि राहुल बजाज की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि इंडियन डोमेस्टिक सेगमेंट में डिमांड काफ़ी कम है और यही वजह है कि परफॉर्मेंस खराब हुआ है बजाज ऑटो का मार्केट में। राहुल बजाज के स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से शायद नहीं लिया है और यही वजह है कि बजाज ऑटो के शेयर्स 2 नवंबर के ट्रेडिंग में लगभग 100 पॉइंट गिरा और फिर थोड़ा संभाल कर 1.35% डाउन होकर बंद हुआ। अब आते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे, जहां एक तरफ एनालिस्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के लिए 900 करोड़ का लॉस प्रेडिक्ट किया था, वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प ने सबको चौंकाते हुए 953 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और यह प्रॉफिट करीब करीब 9% का इंक्रीमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर के महीने में हीरो मोटोकॉर्प ने सबको पीछे छोड़ते हुए 35% सेल्स इंक्रीज किया है। पैसेंजर व्हीकल्स स्पेशली एंट्री लेवल टू व्हीलर्स का हीरो ने रिकॉर्ड 7.91 लाख यूनिट्स सेल्स किया है अक्टूबर 20 में, जो अक्टूबर 2019 के मुकाबले 35% ज़्यादा है। यह रिजल्ट्स को मार्केट ने भी काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लिया है और उनके शेयर्स में भी 1.34% इंक्रीमेंट के साथ बंद हुआ है आज के दिन। अब यह दोनों स्टोरीज क्या कहते हैं ऑटो सेक्टर्स के बारे में और दोनों कंपनीज के हेल्थ के बारे में? सीधी सी बात है कि कोविड-19 की वजह से डिमांड में कमी ज़रूर आई थी, लेकिन अक्टूबर में अनलॉक शुरू हो चुका है और अगर अक्टूबर के में आके कोई कंपनी स्पेशली ऑटोमेकर कहता है कि डिमांड नहीं है तो मतलब यह है कि यह उनके स्ट्रेटजी प्रोडक्ट्स और उनके प्लानिंग की कमी के कारण है। हीरो मोटो ने अक्टूबर सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि उनके एंट्री लेवल्स बाइक्स यानी सबसे सस्ते में बिकने वाली बाइक्स की सेल्स बढ़ी है, यानी लोग अभी भी पैसा कम खर्चा करके कैसे काम निकाला जाए ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं। यही पे हीरो मोटो ने बाजी मार ले गया। हीरो ने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी सारे बेसिस मॉडल्स ऑफ बाइक इंट्रोड्यूस किया है जिनका पैकेजिंग मॉडर्न है और जो फ्यूल इफिशिएंट है यानी जो माइलेज ज़्यादा देता है। इसी पर फोकस कैंपेन भी रन किया है हीरो मोटोकॉर्प ने, उसी का फल उनको अभी मिल रहा है जहां पर लोगों के पास हीरो के एंट्री लेवल्स बाइक्स की विजिबिलिटी है, वो दिखते भी अच्छे हैं। यही वजह है हीरो मोटो बाजी मार ली गई और इन्वेस्टर्स भी हीरो के ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं।
लेकिन बजाज के साथ ऐसा नहीं है। बजाज पिछले कुछ सालों से ही मिड लेवल बाइक्स एंड हाई मिड रेंज क्रशर्स के ऊपर फोकस कर रहा था। उनका एवेंजर सीरीज के बाइक्स का नया अवतार लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, लेकिन उनके एंट्री लेवल सेगमेंट वाइज सीडी, डॉन या डिस्कवर या बॉक्सर को कुछ दिनों से ही हाथ नहीं लगाया गया था। उनके लुक्स अभी भी 4 साल पुराने वाले बाइक जैसे ही है, और हालांकि यह अभी भी बहुत अच्छा माइलेज देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा मार्केटिंग या फिर इनोवेशन पर खर्चा नहीं किया गया है। इनको नया लुक देके मेकओवर देने की भी कोशिश नहीं की गई है, जिनका फल आज बजाज ऑटो को मिल रहा है। कोविड-19 की वजह से मिड लेवल हाई मिड रेंज क्रूजर सेगमेंट में भी अभी कभी काफ़ी कम डिमांड है, क्योंकि लोग पैसे बचाना चाहते हैं और अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ज़्यादा माइलेज और लुक वाली व्हीकल्स ढूंढ रहे हैं, यह डिमांड है। लेकिन बजाज इस डिमांड को फॉलो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनको लॉस देखना पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपके कंपनी में आप टारगेट सेगमेंट को सिचुएशन के साथ चेंज करके अपना मार्केटिंग और इनोवेशन और उस तरफ डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। सिचुएशन हर वक्त बदलता है और बदलेगा भी, उसके साथ आगे बढ़ना और कंपनी को उस डायरेक्शन में ले जाके बिजनरी मैनेजमेंट का काम है, और अगर वह नहीं हुआ तो रिजल्ट्स भी फर्क दिखता है, जो आज बजाज के हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स में दिख रहा है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।